मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आप लोगों को कुछ फार्मूले बताना चाहता हूँ और जो आपको एक से लेकर कंपटीशन तक के क्वेश्चनों में ये सब सॉल्व किए जाते हैं वो फार्मूला आप देखिए। स्टार्टिंग में संख्या पद्धति से संबंधित है। देखिए फार्मूला फार्मूला है, पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे आपको। पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब इसको क्या है कि ए प्लस बी को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एक दो भाग में तोड़ेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस बी दो भाग में तोड़ा। तोड़ने के बाद ए प्लस बी को ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी को बी में भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, ए में पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे बी का, फिर इसको ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा ए का ए में मल्टीप्लाई ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे और बी का ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का ए बी का बी हो जाएगा और प्लस ये बी का ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। जब ए इंटू ए होता है इसकी पावर वन होता है, इसका मतलब ये ए बनकर वन प्लस वन हो जाता है, इसलिए ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाता है। ये आपका एक फार्मूला होता है यंग के घाते अगर यक्स है इंटू यंग के घाते वाई है तो ये आपको फार्मूला होता है यंग के घाते एक्स प्लस वाई होता हो जाता है। ये एक फार्मूला होता है, ये भी ऐसे होता है, उसी के आधार पे ये इसको मल्टीप्लाई किया गया है। अब आपको ए स्क्वायर प्लस इन दोनों का देखिए ये ए बी इनका ए बी ये मिलकर टू ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आपका एक फार्मूला क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक फार्मूला बनके तैयार हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, इसी का दूसरी तरह से कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में देखिए। क्या करेंगे, ए प्लस बी का इंटू ए प्लस बी का दोनों पे आपस में गुणा करेंगे। इस तरह से भी एक सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपको ए का ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये ए का ए बी में हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर बी का बी बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ चाहे इसके नीचे लिख सकते हैं चाहे यहाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क कहीं भी इसको ए स्क्वायर को ले सकते हैं और ये आपका ए बी हो जाएगा। और ए बी कहाँ लिखा जाएगा, इसके बी के नीचे लिखा जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा। अब आपका क्या है, इन दोनों को सब आपस में जोड़ दीजिए। क्या वो ए का कुछ नहीं यहाँ पर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ए ए बी और ए बी मिलकर टू ए बी हो जाएगा। ये हो गया टू ए बी और ये आपका बी स्क्वायर, ये हो गया आपका फार्मूला दो तरह से निकल गया। अगला फार्मूला देखिएगा, ये दो तरह से फार्मूला होता है, यही आपका फार्मूला ये भी है, लेकिन ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकाला गया है और ये सिंप्लीफिकेशन किया गया हुआ है। दूसरा फार्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये ही फार्मूला होता है। सेम उसी तरह जैसे ए प्लस बी का था उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी और ए माइनस बी पावर में दो है तो दो बार लिखा जाएगा। ये क्या है, ए माइनस बी दो बार लिखा गया है, दो बार लिख देंगे। उसके बाद में आपका ए का मल्टीप्लाई
ए बी का मल्टीप्लाई ए बी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी का भी मल्टीप्लाई करते हैं ए माइनस बी। देखिए जिसका मल्टीप्लाई ए के साथ में करेंगे बी ए बी का मल्टीप्लाई बी में मल्टीप्लाई करेंगे, बीस में माइनस लगा था माइनस लगा दिया। अब आपको क्या करना है ए स्क्वायर माइनस ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा माइनस यहाँ ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा। और ये आपका देखिए यहाँ पर माइनस निशान है आपका यहाँ प्लस माइनस है तो ये ब्रैकेट खुलेगा ये निशान आपका हो जाएगा प्लस और ये पावर में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों आपको मिलकर क्या है ये आपको यहाँ पर वन माना जाता है यहाँ भी वन माना जाता है ये मिलकर टू टू ए बी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर तैयार हो गया। ये इस तरह से निकलता है इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले को दूसरी तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे किया जाएगा यहाँ पर ए का ए भी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का तो ए बी हो जाएगा फिर यहाँ बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी का तो ए माइनस ए बी हो जाएगा और यहाँ ए का ए ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे टू ए बी हो जाएगा टू ए बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये आपका फार्मूला बन गया ये दूसरी तरह से निकाला गया। और आपको एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं क्या है माइनस गुणे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होता है माइनस गुणे प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है अगर प्लस है गुणे माइनस है तब भी माइनस ही होगा और प्लस गुणे प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये एक फार्मूला आपका और बनता है ये इस तरह से हो जाएगा। हाँ और एक फार्मूला अब तीसरा फार्मूला आपका है क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है ये इस तरह से। अब इसको सॉल्व करने पर अगर ये आ जाता है तो समझ लीजिए सही है ये फार्मूला ये सब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सरलीकरण करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे इसका देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दीजिए ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी। अब इसमें देखिए यहाँ ए का मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर यहाँ ए माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस ए बी ये भी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया ए का मल्टीप्लाई बी ए बी का में किया बी बी का मल्टीप्लाई ए में किया और बी का मल्टीप्लाई बी में किया तो बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ये दोनों कट गया आपका हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका फार्मूला इसका प्रूफ हो गया। देखिए ये बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका प्रूफ हो गया इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगला फार्मूला देखते हैं अगला फार्मूला क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी का क्यूब ये देखिए कैसे निकलता है इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और माइनस ए माइनस बी ये फार्मूला होता है। इसको कैसे निकालेंगे ये आपको क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये देखिए पावर में दो है तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर और इंटू ए माइनस बी ये इस तरह से फार्मूले आपको
फार्मूले पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, पावर में एक है, लेकिन एक लिखा नहीं जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका अभी फार्मूला पीछे पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आपको फार्मूला पढ़ाया गया, और ए माइनस बी ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए ए माइनस बी का सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस टू ए बी इंटू ए माइनस बी, ये इस तरह से। इसको सॉल्व करने के लिए फिर इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, खोलते हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ ए है, तो दोनों मिलकर ए क्यूब हो गया, यहाँ ए स्क्वायर इंटू बी प्लस इसका भी बांटे बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर हो गया इस तरह। अब देखिए यहाँ पर पहले बड़ी घात को ले लेते हैं, पावर जिसमें पावर अधिक होता है उसको पहले ले लिया जाता है, ए क्यूब, और देखिए ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए ए से छोटी घात वाले ले लीजिए, ए से छोटी घात ए स्क्वायर है, और यहाँ पर है टू ए स्क्वायर बी, इन दोनों देखिए माइनस ये भी ये दोनों जुड़कर थ्री ए बी हो गया, थ्री ए स्क्वायर बी हो गया। अब देखिए ए की छोटी घात ले लीजिए, यहाँ देखिए बी स्क्वायर ए है और बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर दिया गया, ये और ये दोनों जुड़ के थ्री ए प्लस थ्री ए बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, यहाँ से देखिए यहाँ पर थ्री ए बी कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी थ्री ए बी कॉमन हो जाएगा बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा यहाँ पर बी बचेगा। अब यहाँ जब ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, ये माइनस लगा हुआ है, अंदर ब्रैकेट जैसे बनते हैं तैसे ये निशान चेंज हो जाएगा, आपका फार्मूला ये बनकर तैयार हो गया, क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। अब इसी तरह ए प्लस बी का क्यूब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का क्यूब, ये आपका फार्मूला कैसे होता है, इसको भी ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, इसको फिर उसी तरह जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक तोड़ा था वैसे इसको भी तोड़ेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे और इंटू ए प्लस बी कर देंगे, किस तरह से करेंगे, इसका फार्मूला अभी आपने पीछे पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है, और ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। इसको इसमें सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे टू ए बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, और टू ए बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे, कैसे करेंगे, ए का ए की पावर टू है, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री पावर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधे आगे उतार लेना मल्टीप्लाई करके ऐसे उतार लेंगे, तो यहाँ भी ऐसे ही उतार लेंगे बी ए, और प्लस यहाँ पर देखिए पावर टू है बी के और ये वन है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए ए है यहाँ ए है, तो ए स्क्वायर हो गया, बी ऐसे लिख देंगे टू ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए की बड़ी घात बी की बड़ी घात को एक साथ में ले लीजिए, ले लिया इसको और इसको, अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका पावर में जो बड़ी घात में एक की घात बड़ी है उसको ले लेंगे, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी और यहाँ पर टू ए स्क्वायर बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो थ्री ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और प्लस फिर थ्री ए बी स्क्वायर हो जाएंगे, ये हो जाएगा जोड़कर इसका और
ये दोनों जुड़कर एक साथ हो जाएंगे। अब ये आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कॉमन हो जाएंगे, बचेगा ए प्लस बी। अब आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया, क्या है ए प्लस बी का क्यूब बराबर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये आपका फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला है वीडियो को रोक रोक के चलाइएगा, रोक रोक के देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा क्या क्या किया गया है। अब अगला फार्मूला क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ए, देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला याद रखिएगा, इसको ब्रेकर तोड़ेंगे यही फार्मूला आएगा। दूसरा फार्मूला आपको जो भी काउंटिंग हुआ काउंटिंग याद नहीं हमको। अब अगला ए प्लस बी का क्यूब स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, इसका भी क्या होता है ये फोर ए बी हो जाएगा। ये इस तरह का फार्मूला लगाया जाता है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।